हिमालय की उत्पत्ति वो विहार है। तो विहार हिमालय की उत्पत्ति वो विहार ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हिमालय विहार। इसी में हमने कल स्केच खींचना शुरू किया था, वो स्केच था पर जैसे जैसे इसके सतह पर मलबा होगा, सतह पर मलबा होगा, ये टेस्टिंग सागर है यहाँ से यहाँ तक इस क्षेत्र में जो भी मलबे होंगे वह दोनों तरफ से इधर से आए हुए मलबे भी होंगे, इसके भी मलबे होंगे, एज वेल एज इसके भी मलबे होंगे। इस साइड इधर के मलबे होंगे और ये जो मलबे आपको दिख रहे हैं वह इधर से आए हुए मलबे। यह जो जमाव हो रहा था इसका नाम दिया गया है अभिवृद्धि की स्टेशनरी वेज, अभिवृद्धि की स्टेशनरी वेज, वेज के आकार का है, यानी इस आकार का है। वेज का आकार मतलब ये आकार आपको दिख रहा होगा करीब करीब, ये देख रहे हैं ये वेज के आकार का है, ये जो दिख रहा है आपको ये वेज डिसेंडेंट है। और एक वेज नहीं, क्योंकि दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था तो कई वेजेस के निर्माण होंगे ऐसे। यहाँ पे इसको यदि हम इलेबरेट करें एक वेज ऐसे होगा, एक वेज ऐसे होगा, एक वेज ऐसे होगा, कई सारे वेजेस एकदम सके कई सारे वेज के निर्माण। यहाँ पर दो प्लेटें मिल रही है, यानी यह सब डक कर रहा है और यहाँ यह मलबा पिचक रहा है, स्क्वीज हो रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, ये ढाल है, इधर से जो कचरा वगैरह मलबा रहा है वो तो सरक करके इधर की ओर आ रहा है, लेकिन इधर की ओर जाने का स्कोप नहीं है। यहाँ पर खड़ा है और महाद्वीपीय प्लेट खड़ा होने के कारण वो तो उधर भाग नहीं पा रहा है, ढाल बराबर इधर की ओर बनी हुई है, तो मलबा ज्यादा सरक करके इधर की ओर आ रहा है, सरक रहा है इधर की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मलबा सरकेगा ना, तो सरकेगा तो यहाँ पर जाने का स्कोप नहीं है, तो ये क्या करेगा। यह याद रखना है, यह हल्का भी है एज वेल एज हल्का किससे,
जाएगी। इस प्लेट से तुलना करेंगे तो इट इज लाइटर या हल्का है मलबा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम है, आसादी चट्टान है, डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होने के कारण यह अंदर की ओर नहीं भाग रहा था, बहुत कम अंदर की ओर भाग रहा था, यह मुख्य रूप से जमाव हो रहा था। हल्का चीज हमेशा ऊपर की ओर फेंकता है, वो ऊपर की ओर फेंक रहा था, हाल के सहारे सड़क इधर की ओर रहा था, एपेलेट ऊपर की ओर फेंक रहा था क्योंकि हल्का था। तो प्लेट का जो सतह था या बेसाल्टिक प्लेट था, किसका? टेथिस आयर का जो प्लेट था, यानी टेथिस आयर का जो क्रस्ट था वो बेसाल्टिक क्रस्ट था। बेसाल्टिक क्रस्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वह क्या कर रहा था, नीचे की ओर भाग रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो मलबे थे वह हल्के थे तो वह ऊपर की ओर जा रहा था। ऊपर की ओर यह जाने से रोक रहा था, इधर की ओर जाने से यह रोक रहा था, तो यह क्या, इसके सहारे यह स्क्वीज हो रहा था, ऐंठा रहा था, या कह सकते हैं फोल्ड हो रहा था, दबाव यहां की इसके सहारे क्रिएट हो रहा था। यहां पर यह चूंकि नीचे की ओर भाग रहा है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यह डलेगा, अंदर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका, ये जो बेसाल्टिक सतह है वो नीचे की ओर जाएगा तो गलेगा, गलेगा निकल करके मैग्मा निकलेगा, ऊपर की ओर फेंकेगा क्योंकि जगह तो है नहीं वहां, तो वह जैसे ही कमजोर चट्टान मिलेगा वैसे ऊपर की तरफ, इसके नीचे का कमजोर चट्टान तो यही है ना, लाइटर है, तो यह क्या करेगा, ऊपर की ओर फेंकेगा। ऊपर की ओर फेंकने से यह चूंकि यह मोटा प्लेट है तो ऊपर तक तो जा नहीं पा रहा, नीचे भी क्या हो रहा है, जाते जाते जम जा रहा है ना। बहुत विरल कभी कभी गैसियस रूप में हो रहे हैं, कभी कभी कहीं कहीं गैसियस रूप में हो रहे हैं, जो सतह तक आ जा रहा है, कहीं कहीं मुख्य रूप से यह जम जा रहा है कहां पर, अंदर में ही, या बेसाल्टिक प्लेट के अंदर में ही, एक महाद्वीपीय प्लेट के अंदर में ही इसकी मोटाई और बढ़ा दे रहा है। कौन? यह क्रिया, यह क्रिया इसकी मोटाई को और बढ़ा दे रहा है। यह ऑलरेडी जो तिब्बत का पठार की ऊंचाई देखते हैं उसका कारण है कि यह भी है, यह भी तिब्बत पठार की ऊंचाई का कारण है। इसको कहते हैं ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइटिक अंतर्भेदी, अंतर्भेदी चट्टान, ग्रेनाइटिक अंतर्भेदी चट्टान है यह। बेसाल्ट जो गल करके ऊपर की ओर जाएगा तो परिवर्तित हो जाता है ग्रेनाइट, एंडोराइट, ग्रेनाइट आदि में परिवर्तित हो जाता है, गला है बेसाल्ट, लेकिन गलने के बाद उसकी चट्टान की प्रकृति, क्योंकि गलने के बाद बहुत सारे चेंज जाएंगे, तो चेंज होने के बाद जो मैग्मा बना उसकी प्रकृति अलग हो जाती है, उसमें सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है, वह थीकर हो जाता है, यानी अधिक मोटा हो जाता है वह मैग्मा, जिसके कारण इस यह बेसाल्ट था और गलने के बाद जो बना यह संडक्शन हो रहा है, यानी क्षेपण हो रहा है। इंट्रूसिव ग्रेनाइटिक इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव INTRUSIV, इंट्रूसिव अंदर मेरी चट्टान, ग्रेनाइटिक इंट्रूसिव रॉक, हो रहा यहां पर ऊपर में बन रहा है, यह समझ सकते हैं आप, यह टेथिस सागर है, यह पानी भरा हुआ होगा, बहुत कितना है तो पानी भरा है, यह पानी है, टेथिस सागर का पानी है। यह क्या है, मेंटल है, मेंटल है ना, स्थेनोस्फेयर दुर्बल मंडल, मेंटल का पार्ट दुर्बल मंडल ऐसे की ओर जा रहा है। नहीं, इंडियन फेस का ही अगला भाग था, अगला अलग प्लेट नहीं था, वो इंडियन प्लेट का ही अगला भाग था,
पृथ्वी सागर और भारतीय प्लेट को उस समय महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में चूंकि महासागर का समाप्त हो चुका है इसलिए हुआ महाद्वीपीय प्लेट का बना गया। शुरुआत में हुआ महासागरीय सह महाद्वीपीय प्लेट का नाम था। अभिवृद्धि कील अभिवृद्धि एटेशनरी वेज वेज का मतलब समझते हैं ना वेज कोई जाएंगे जीवन में वेज का एग्जांपल बताओ प्रिज्म देखे हैं एग्जांपल वेज का एग्जांपल है। इधर से ये दबाव दिया तो ये स्ट्रक्चर हमने कहा कैसे बन रहा है ऐसे बन रहा है, यह थोड़ा ढाल तिरछा है और यह ढाल ऑलमोस्ट खड़ा इसी को कहते हैं इस सेप को कहते हैं विज से। इसी तरह का प्रिज्म का भी सेप होता है ऑलमोस्ट ना बाहर से देखने में प्रिज्म इसी तरह का फिर इसको विज कहते हैं। एक्रिसनरी मतलब जमाव जो मलबा किसका मलबा तेजी सागर का तो मलबा के स्वरूप में अंदर यह होगा कि इस साइड जो मलबा होगा इधर की ओर मलबा होगा वो इधर की ओर आया हुआ इधर के आए हुए मलबे होंगे इधर से जो आए होंगे यहाँ पर जो मलबा होगा इसके नजदीक या उधर से आए हुए मलबे होंगे होगा ना मलबा में भी एक्रिसनरी वेज के मलबे में भी डिफ्रेंसिएशन होगा होगा। गाल से हाथ हटाओ आपकी चेड़ खुद मुद्रा खो देती है। एक्रिसनरी वेज में दो तरह के मलबे होंगे एक इधर से आए हुए मलबे मोस्टली जो होंगे वो इधर से आए हुए मलबे होंगे मुझे तो मिक्स हो गया होगा लेकिन अधिकांश भाग इधर से आए हुए मलबे होंगे इधर से आए मलबे इधर से आए दोनों मलबा में मोड़ पड़ा होगा दोनों मलबा मिल करके एक कृष्णरी वेज बनाया या अभिवृद्धि कील बना दिया। एक्चुअली यह अवसादी चट्टान है यही ऊंचा उठेगा इसको हम दे सकते हैं भारतीय प्लेट खसक रहा या खसकने के लिए तैयार या खसक रहा है ना यह महाद्वीपीय क्रस्ट है यह महाद्वीपीय क्रस्ट है महाद्वीपीय क्रस्ट यह क्या है महासागरीय क्या है यह क्या है महासागरीय क्रस्ट यह महासागरीय क्रस्ट किसका महासागर मतलब तेजी सागर तो छेपन किसका हो रहा है यहां पर छेपन किसका हो रहा है महासागरीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट प्लेट के नीचे छेपन सबटक्शन छेपन छेपन इसी का हो रहा है नीचे जाना छेपन मतलब नीचे जाना नीचे ठीक है। अब यह इधर की ओर सरक रहा है यह प्लेट इधर की ओर सरक रहा है सापेक्षी गति इस प्लेट की इधर की ओर है इधर की ओर गति तेज होगी
हमने कल बताया था क्यों गति तेज होगी, क्यों गति तेज होगी, इस प्लेट की गति इस समय जो यह काल था जिस समय यहां पर मूव हुआ था, यह काल क्रिटेशियस काल के लास्ट का काल था, क्रिटेशियस काल के अंतिम काल में यह ऐसा हो रहा था, तो यह जो क्रिटेशियस काल की यह घटना थी तो इधर सरकने की गति तेज है, क्यों एक श्लोक के कारण, तो यह कोरिओलिस बल के कारण, मैग्मा जो संवहन हो रहा है उसके कारण वह भी गति तेज है, यही कारण था जो इसकी गति 10 से लेकर के 16 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी, काफी तेज गति थी, यानी तेज गति से महासागरीय प्लेट का महासागरीय प्लेट समाप्त हो रहा था, यूरेशियाई प्लेट तेजी से इसको निगल रहा था, यूरेशियाई प्लेट इस प्लेट को तेजी से निगल रहा था, जबकि ढाल बना हुआ था कोरिओलिस खोलता, क्योंकि इसकी स्थिति कहां थी, इसकी स्थिति विषुवत रेखा के आसपास थी, जिसके कारण कोरिओलिस खोल जा देता, कल समझा दिए थे क्यों कोरिओलिस खोल जा देता, संमहन तरंगे तेज थी जिसके कारण यह प्योर मूव कर रहा, आगे इसके बाद की क्या घटना होगी, इसके बाद यह ज्यादा क्लोजर जाएगा, ये होगा ना, यह इसके ज्यादा क्लोजर जाएगा अगले स्टेज में, या कहें हम इओसीन काल आते आते, टेलियोसीन इओसीन काल आते आते यह अधिक क्लोजर जाएगा, यह समाप्त हो रहा है तो यह क्या जाएगा, यह अधिक क्लोजर जाएगा, यह स्थिति अब आ रही है जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की स्थिति है, टकराव की स्थिति, इस स्थिति में आते थे, यहां टकराव हो रहा है किसका, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का, यहां आते आते टकराव अब शुरू हो रहा है किसका, महाद्वीपीय 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 अभिसरण द्वीपीय अभिसरण आरंभ शुरू हो रहा है, महाद्वीपीय अभिसरण शुरू हो रहा है, टकराव जब मुख्य टकराव हुआ वो इयोसीन में ही हुआ, वो घटना इयोसीन से पहले था, क्रिटेशियस के लास्ट आते आते क्रिटेशियस काल के लगभग यह घटना कहां कहां क्या लिखा, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण आरंभ यूरेशियाई के प्लेट के नीचे यही चीज बना दी है, समझा, इसका लिखने यूरेशियाई प्लेट लिखी, सब चीज लिखना जरूरी नहीं है, बहुत चीज एग्जामिनर समझदार होगा समझ जाएगा, हम आपके लिए लिख ले रहे हैं, हर एक चीज वहां लिखने मत लगेगा, लिखने में टाइम भी लगता है, हर एक चीज वहां
एक बार लिख दिए तो दूसरे बार छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम छोड़ सकते थे इसको, इसी चीज का एक्सटेंशन हम केवल इसमें और इसमें जो अंतर है वह लिख दीजिए, महादेवीय महादेवीय अभिसरण आरंभ ये लिख दीजिए, क्या चेंजेज आया वो लिख दीजिए, थोड़ा सा इसका दिमाग का अपना उपयोग करना। यहाँ आते आते हम लिख कह सकते हैं जो महासागरीय प्लेट समाप्त हो गया, मतलब समाप्त महासागरीय कौन 35 महासागरीय महासागरीय प्लेट का समापन डिसअपीयर कर रहा है, जैसे डिसअपीयर होगा हो रहा है। ये ईओसीन काल के लास्ट में, ईओसीन ओलिगोसीन उतना लंबा अवधि में एग्जैक्ट डेट करना मुश्किल, मतलब ट्रांजिशनल जो कहीं देखिए किताबों में ईओसीन ही लिख देगा, कहीं ओलिगोसीन लिखेगा, ओलिगोसीन काल में ट्रांसहिमालय बन रहा है 33 साल का मलबा ऊपर आ, टेक्सिय हिमालय जो कहते हैं जास्कर हिमालय को टेक्सिय हिमालय कहते हैं। अफ्रीका को कब छोड़ करके चल दिया, तो साल के आरंभ में ही वो अफ्रीका को छोड़कर गोंडवानालैंड से वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और भारतीय प्लेट एक साथ छोड़ करके चल चुका था। कार्बोनिफेरस काल में वनवाना लैंड और अंगारा लैंड टूट चुका था, टूट रहा था, और क्रिटेशियस काल आते आते यह भी टूट रहा था, कौन क्रिटेशियस काल आते आते यह गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट भी अलग हो चुका था, गोंडवाना लैंड से गोंडवाना लैंड का मतलब अफ्रीका, बाकी अफ्रीका से यह अलग हो चुका था। मूवमेंट के टूटा और टूटने के साथ ही मूवमेंट शुरू था, मूवमेंट क्योंकि टूटने का कारण भी मूवमेंट होगा, मूवमेंट ही तोड़ेगा उसको, शुरू में क्रैक होगा नीचे से जो कन्वेंशनल करंट चलेगा वो क्रैक क्रिएट करेगा, और वह चूंकि कन्वेंशनल करंट तोड़ रहा होगा तो वह और टूट भी रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, दोनों क्रियाएं साथ अंतोगत्व ऐसा होगा जो पूरा टूट गया होगा, उसके बाद केवल आगे बढ़ना होगा, तो यह क्रिया जो पूर्णतः टूट गया वह क्रिटेशियस काल में हुआ, जो पूर्णतः टूट गया जब कह रहे थे हम क्रिटेशियस काल के ही लास्ट में कह रहे थे ना, वो छिटक के अफ्रीका से हट करके मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में यूनियन द्वीप के ऊपर से गुजर रहा था, क्रिटेशियस काल के लास्ट में यूनियन द्वीप के ऊपर से गुजर रहा था, तभी तो यहाँ पर डकन ट्रैप बना था, वह पूर्णतः अलग हो चुका था अफ्रीका से, यानी गोंडवाना लैंड से यह अलग हो चुका था, जो मूल गोंडवाना लैंड था उसे अलग हो चुका था। नहीं मध्य प्रदेश वाला पार्ट नहीं, उस समय में जिस समय में टूटा उस समय में यूनियन द्वीप या मेडागास्कर इसकी जो अवस्थिति है वह 30 डिग्री 10 से लेकर के कहिए 10 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण से और दक्षिण चले जाइए 30 डिग्री मोटा मोटी मान देते 25 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास उसकी स्थिति रही होगी, कौन भारतीय प्लेट रहा होगा इस समय, यह जो स्थिति बता रहा है इस समय इतना बड़ा था वो महासागर भारतीय प्लेट दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश में अभी इंटर भी नहीं हुआ है, अभी दक्षिणी अक्षांश में यूनियन द्वीप के ऊपर है, यूनियन द्वीप कहाँ पर है वही 25 डिग्री के आसपास है, मेडागास्कर के पास है, हिंद महासागर यानी से या अभी का जो हिंद महासागर है हिंद महासागर के दक्षिण वाले भाग में यह स्थिति उस समय। पूरा पेंजिया का अवधि
जो कह रहे हैं पैलियोजोइक काल के आरंभ अवस्थिति था 40 डिग्री करीब 40 डिग्री दक्षिणी से लेकर के और उत्तर में भाग जाएंगे तो 10 डिग्री तक पूरा पंजिया 10 डिग्री दक्षिण तक पूरा पंजिया था। यानी यह जो दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप हैं जिसको अंगारादन कहते हैं वह दक्षिण में था वह उत्तर में नहीं था यानी दक्षिणी गोलार्ध में था वो 40 से 10 दक्षिणी हाँ दक्षिणी उत्तर में अभी तक कोई नहीं गया था।